नमस्कार, न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद अरोड़ी, मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में जो विकलांग है, जो शारीरिक रूप से डिसेबल पीपल हैं, वो बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। ये कई मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग है जो इनको जो पेंशन मिलता है वो बहुत मामूली है, किसी राज्य में 1000 है, किसी राज्य में 1400 है, किसी राज्य में 1500 है। तो इनकी एक डिमांड है जो पूरे देश भर में एक पेंशन निर्धारित, जो मिनिमम 5000 रुपये हर आदमी को मिले, क्योंकि इनके पास किसी तरह काम करने की सुविधा भी नहीं है। उसके अलावा जो बहुत सारी इनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, रेलवे में इनके जो पासेस हैं, या एक अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्ड, आई कार्ड्स बनते हैं, ये चाहते हैं यूनिवर्सल एक आईडी कार्ड बने जो हर राज्य में चले। इन सारी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। एनपीआरटी संगठन, जिसके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा है, उसके नेताओं से बात की। इसके अलावा अलग अलग राज्य से आए विकलांग लोगों से बात कर समझने का प्रयास किया, क्या तकलीफ है उन लोगों को, किस समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है आम जीवन में, उसके साथ सरकार उनकी क्या है डिमांड। एनपीआरटी की जो धरना मंच है, 2016 प्रतिबंधी एक्ट जो पास हुआ है वो तो खाता कलम में रख गया, लेकिन हमारा आज तक लागू नहीं किया। जैसे यूनिक आधार कार्ड, हाँ, ऑल इंडिया के लिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट एक जगह होता, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट न्यू दिल्ली में अलाउ नहीं है, तमिलनाडु में अलाउ नहीं है, तमिलनाडु का आइडेंटिटी कार्ड वेस्ट बंगाल में अलाउ नहीं है, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। द आरपीडी एक्ट ऑफ 2016 वॉज पास्ड, इट इज़ पास्ड बट जस्ट एज ए पेपर, इट इज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड कम्प्लीटली और इफेक्टिवली। एज सच द राइट्स ऑफ डिजेबल पीपल ऑल ओवर इंडिया इज वायोलेटेड। इसमें मेन मुद्दे जो है पेंशन का मुद्दा है। केंद्र सरकार जो है अभी मात्र 300 रुपये देती है मासिक पेंशन के तौर पर, और इसका कवरेज जो है केवल 3-4% लोगों को ही मिला जाता है। ये पेंशन को बढ़ाने की मेन मुद्दा ये है। जो भी सरकारी स्कीम्स हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना, इन सब से हम वंचित रहते हैं। ना हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास आवास योजना है। मांगे तो हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। विकलांग योजना के तहत भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सोशल सिक्योरिटी का अलग अलग मुद्दे, केयर गिवर अलाउंस देने की बात है, यूडीआईडी को व्यापक बनाने की बात है, यूडीआईडी का एक्सेप्टेंस की बात, ऐसे जनरली सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज पे है यह मुद्दा फोकस करते हुए धरना कार्यक्रम दिया गया। हमारा स्टेट में नौ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड हुआ है, जैसे कम से कम 1.5 लाख हैंडीकैप है, सर्टिफिकेट भी 1.5 लाख है, लेकिन यूनिक आइडेंटिटी कार्ड 9 से तैयार किया है। टर्म्स ऑफ एक्सेसिबल पॉइंट ऑफ व्यू इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, इन केस ऑफ एजुकेशन, इन केस ऑफ रिहैबिलिटेशन, इन केस ऑफ बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, देयर इज नो एक्सेसिबिलिटी। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ओनली 1000 रुपीज डिजेबल पेंशन इज देयर। हम लोग ये जिधर रहते हैं, चारों तरफ समुंदर है, बीच में एक गांव है, छोटा सा गांव है, उधर से आए हुए हम लोग को कोई सुविधा बोलिए तो प्रति मैंने हैंडीकैप का जो सुविधाएं हैं ये सब बराबर नहीं मिल रहे हम लोगों को। क्या है, ये मेरा है डॉटर, ये मेरा बच्चा है, ठीक है, ये हैंडीकैप है, 100% हैंडीकैप है, इसके लिए हम इधर आए हुए हैं। मोदी जी को हम अंतर से सम्मान कर रहे हैं, मोदी जी को हमारा वेस्ट बंगाल का तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देगा तो हम लोग भी आज जैसा जी पाएंगे। ये बच्चे लोगों को लेके बहुत मुश्किल से हम लोग जी रहे हैं। डिजेबल पर्सन्स ऑल ओवर इंडिया एंड कर्नाटका पर्टिकुलरली आर फेसिंग अ गवर्नमेंट विच डज नॉट हैव अ हार्ट। हैड दिस गवर्नमेंट हैड अ स्टोन हार्ट मे बी इट वुड हैव मेल्टेड, बट द प्रेजेंट गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ हार्ट एट ऑल। बहुत प्रॉब्लम, पेंशन जाते अंधेर कार्ड हो है ना, अंधा भाग्य योजना है ना, वो रेशन कार्ड हो, अंधो एपीएल कार्ड रहेगा है ना, और पूरा सब्जी रेडी करो को वो इधर से धरना चलेगा। पूर्व मेदिनीपुर के हैं हम, पर हम सब सुविधाओं से वंचित हैं। आईडी कार्ड हो, एनईपी कार्ड हो, नौकरी हो, और भी कई सुविधाएं हमें मिल ही नहीं रही है। हमें हर दृष्टि से पीछे रखा जा रहा है। वेस्ट बंगाल में जो बेकार होता है, जो काम काज नहीं हो, जो बेकार भाता जो है, बेकार भाता मिलता है 1500 रुपया, जैसे आपका तरह बेकार होता है, शिक्षित बेकार है, उसको मिलता है 1500 रुपया, लेकिन एक शिक्षित हैंडीकैप के लिए
भाता मिलता है 1000 रुपया, ये एक ऐसा नाम सब है। हम लोगों का चाहिए 5000, कम से कम 5000 रुपया चाहिए। अभी तो मैं चावल का दाम खरीदो, जब आटा मिलता है 40-45 रुपया किलो, चावल 50 रुपया किलो, तेल 150 रुपया किलो, तो हम कैसे जिए 1000 रुपया में। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास किया है, जैसे कि बोले 6000 करके जो डिमांड या 5000 करके जो डिमांड है, ये डिमांड का कोई हम लोग को एक वन थाउजेंड रुपीज़ हम लोग को मिल रहे, बाकी कुछ नहीं मिल रहे। देखिए इसका जो है ये महीने में इसका जो खर्चा है, ये खर्चा 6-7 हज़ार रुपये लगता है। इसका ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरापी है, ये सब करने के लिए इतना पैसा लगता है, लेकिन हम मिलता है हमको 1000। द मेन प्रॉब्लम इज दैट द एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। आज के इस धरने में भाग लेने के लिए ज़्यादातर दक्षिण भारत के तमाम राज्यों से, यानी केरल से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, केरला से, हरियाणा से, पश्चिम बंगाल से, इन तमाम राज्यों से लोग हैं इस प्रोग्राम में भाग लेंगे। द डिमांड्स, द बेसिक डिमांड्स ऑफ डिजेबल पर्सन आर निग्लेक्टेड। द पेंशन विच द गवर्नमेंट हैज टू गिव टू डिजेबल पर्सन, देयर इज अ स्मॉल कंपोनेंट विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट हैज रिमेन द सेम सिंस द बिगिनिंग ऑफ पेंशन। It has never been raised. Only the state government has been raising its component of the pension. This is our basic demand because this is our livelihood. बाकी राज्यों में monthly income 5000 तक मिलती है और हमारे राज्य में सिर्फ 1000 रुपया। 5% पूरा जो poverty alleviation scheme है, उनका 5% reservation है disabled लोगों के लिए, जैसा MNREGA Act जिसका 100 दिन का काम बोलता है, इंदिरा गांधी आवास योजना, अंत्योदय आवास, अंत्योदय अन्न योजना और जो जो सब है, लेकिन सब काटमानी चलता है और कोई डिजेबल पीपल को कुछ नहीं मिलता है। एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा मुद्दा है, रेलवे स्टेशन एक्सेस सुगम में नहीं है, कोचेस सुगम में नहीं है, टिकटिंग काउंटर सुगम में नहीं है, दैट इज एक्सेसिबिलिटी तो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा एक UDID कार्ड, रेलवे में कंसेशन तो मिलता है, तमाम विकलांगों को नहीं मिलता है। 21 प्रकार के विकलांगताओं को जो है कानून ने मान्यता दी है, मगर कुछ ही विकलांग साथियों को जो है, कुछ ही कैटेगरी के लोगों को जो है कंसेशन उपलब्ध है। एक तो हम मांग करते तमाम लोगों को, तमाम लोगों को मिले एक। दूसरा, रेलवे जो है UDID कार्ड बना हुआ है जो सर्वमान्य है, UDID कार्ड बनने के बावजूद भी जो है रेलवे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और अपना खुद का कार्ड जो है उसको प्रमोट कर रही है। हमें मांग करते हैं UDID कार्ड जो है रेलवे एक्सेप्ट करे। अनदर डिमांड इज रेलवेज एक्सेसिबिलिटी इन रेलवेज एंड जनरल एक्सेसिबिलिटी इन गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड पब्लिक प्लेसेस। ऑल्दो द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मैसिव एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ एक्सेसिबल इंडिया मिशन, बट इट हैज रिमेन्ड अ फेलियर, हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एंड हैज रिमेन्ड ओनली इन अनाउंसमेंट। The great accessible mission. बधिरों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए मेदिनीपुर से कभी इधर कभी उधर भागा दौड़ी करनी पड़ती है। ये सब सुविधाएं हमें मिले, इसीलिए तो हम ये आह्वान कर रहे हैं। The government is only for Kadmani and goons and miscreants, they are doing government. This is the main problem and we are fighting for justice, we are fighting for social justice and rights. Finally, we want a holistic dignity of life for disabled people. This the government has to give awareness to people in general and sensitize the government servants so that they interact with disabled people with compassion and treat them equally. These are our basic demands, sir.